नमस्कार दोस्तों, आरएफ डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम ब्लाउज का बैकनेक डिजाइन बनाना बताएंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा ही देखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो देखिए, आज हम जो ब्लाउज बनाएंगे वो अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, यानी कि ब्लाउज पीस के कपड़े पर ये डिजाइन बनाएंगे। तो देखिए, इसको पहले साइज के हिसाब से डबल फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह देखिए हमने कर लिया है। तो देखिए, जो ब्लाउज बनाएंगे वो 34 इंच, लगभग 34 इंच चेस्ट साइज का ब्लाउज है, और ये राउंड कलर गले पर डिजाइन है। तो इसका बैक और फ्रंट दोनों हम बताएंगे, तो दोनों अलग अलग वीडियो में बताएंगे। तो इस वीडियो में इसका हम बैक नेक डिजाइन बनाना बताएंगे। और देखिए, इसकी तैयार लंबाई 12.5 इंच होगी। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ज़्यादा लेंगे, यानी कि 1 इंच नीचे से तुरपाई के लिए भी इसी में से लेंगे, और आधा इंच ऊपर सिलाई में जाएगा, तो 1.5 इंच हम ज़्यादा लेंगे। इस तरह देखिए, इसकी पूरी लंबाई 14 इंच लेंगे। और देखिए, इसका तैयार शोल्डर 15 इंच है, और आधा इंच सिलाई के लिए लेंगे, और 2 पॉइंट उसके अलावा ज़्यादा लेंगे। यहाँ पर राउंड कलर में डिजाइन होगा, तो ये पीछे हुक वाला होगा, तो दो दो पॉइंट यहाँ पर सिलाई में जाएगा, तो 8 इंच 2 पॉइंट लेंगे। अब देखिए, यहाँ से हमें 7 इंच लेना है। ऊपर हमने 8 इंच 2 पॉइंट लिया है, तो नीचे की तरफ 7 इंच लेना है, और इसका आर्म होल भी 7 इंच लेना है। यहाँ पर 1 इंच पर इसकी गोलाई कर देंगे, गले की चौड़ाई 3 इंच लेना है। तो देखिए, इसे हम अभी नहीं, बाद में जब इसका फ्रंट पार्ट ज्वाइंट करेंगे तो यहाँ से इसको निशान बना लेना है दोबारा से। देखिए, जो यहाँ पर देखिए हमें डीप गला रखना है राउंड कॉलर में, तो जो गला लेंगे उसकी गहराई हम 10.5 इंच लेंगे। और देखिए, गले की जो चौड़ाई है 3.5 इंच लेंगे, और यहां से देखिए 1 इंच छोड़ते हुए तो देखिए हमने 3.5 इंच इसकी पूरी चौड़ाई रखनी है। तो देखिए, यहां पर 2 पॉइंट बढ़ाया है, तो देखिए बैक ओपन है, यानी कि पीछे हुक वाला है, तो यहां पर सिलाई में भी जाएगा, तो तैयार ये 3.5 इंच ही आएगा, यानी डबल फोल्ड करके ये पूरी चौड़ाई इसकी 7 इंच है। देखिए, इसको कट कर लेना है। तो इस तरह देखिए, इसको कट कर लिया है। अब देखिए, इसका पहले गला बना लेना है। उसके लिए हम इस तरह से कपड़ा लेंगे, सीधी साइड कपड़े की तरफ करेंगे, और अच्छे से मिलाते हुए गले को बना लेंगे। तो देखिए, आप पट्टी भी निकाल सकते हैं, लेकिन इस पर रखकर हम डायरेक्ट सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद ही कट कर लेंगे। तो इस तरह देखिए, सिलाई लगा दी है, अब कट कर देना है। कट करने के बाद कट लगा देना है। अब देखिए, ज्यादा कपड़े को कट करना है, यहां पर हमें तुरपाई के लिए बस 1 इंच बचाना है। देखिए, इस कपड़े पर भी इस तरह मोड़ते हुए सिलाई लगा देंगे। तो इस तरह देखिए, हमने कपड़े पर सिलाइयां डाल दी है। अब देखिए, इसको अंदर की तरफ पलट देना है। देखिए, हम अंदर की तरफ पलटते हुए इस पर सिलाइयां लगाएंगे। गले पर हमें लेस लगाना है, इसलिए इस पर सिलाई लगाएंगे। अगर आप सिंपल रखना चाहते हैं तो सिलाई ऊपर से ना लगाएं, केवल तुरपाई लगा दीजिए। तो इस तरह देखिए, सिलाइयां लगा दी है। अब देखिए, गले पर लेस लगाना है, तो इस तरह गोल्डन लेस लगाएंगे।
इस तरह देखिए लेस लगा दिया है। तो देखिए इसको बिल्कुल बराबर से मोड़ते हुए कट कर लेना है और हुक कढ़ाई के लिए पट्टी लगाना है। तो देखिए आप पहले भी लगा सकते हो और लेस लगाने के बाद भी इस तरह से अगर बनाते हो तो लगा सकते हो। तो इस तरह देखिए कट कर दिया है, पट्टियां लगा लेंगे। तो इस तरह देखिए हमने पट्टी कट कर ली है, साइड में जो पट्टी लगाएंगे वो आई बनाने के लिए लगाएंगे। तो देखिए इस साइड में पट्टियां लगा दी है, दूसरी साइड भी लगा लेंगे। इस तरह देखिए दोनों साइड पट्टियां लगा ली है। देखिए नीचे से तुरपाई लगाना है, अब हम प्लेट बना लेंगे उसके बाद नीचे से तुरपाई लगा देंगे। तो देखिए इस साइड हुक लगाना है और इस साइड आई बनाना है, हुक और आई बना लेना है और प्लेट बना देना है। तो देखिए यहाँ से भी कट होगा, यानी कि जो कॉलर होगा कॉलर में हुक लगेगा। तो इसका जब हम फ्रंट नेक डिजाइन बनाएंगे तब यहाँ पर कैसे कलर स्टिच करना है वो बताएंगे। तो आप इसका फ्रंट नेक डिजाइन भी देखिए, तो अगले वीडियो में हम उसको भी बताएंगे। तो आप दोनों वीडियो देखिए, एक वीडियो में नहीं हो पाएगा, वीडियो बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसलिए अलग अलग वीडियो में बताया है। तो अगर आप पूरा देखना चाहते हैं तो दूसरा वीडियो भी देखिए। तो अगर हमारी ये डिजाइन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।